मैं मैसूर इंडिया से आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका आशिक इमरान खान मुनीर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह हजरत जी, ये नया प्रोग्राम हमारे लिए, मुरीदीन व मुहिब्बीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए बतौर तोहफा है हजरत जी आपकी तरफ से, जज़ाकअल्लाह खैर हजरत जी। हजरत जी, ये मुख्तसर सा ख्वाब था जो 8 दिन पहले मैंने देखा था हजरत जी। हजरत जी, आपने मुझे कोई बड़ा काम सौंपा है जिसको मुझे पूरा करना था और मैंने उस काम को बहुत जल्द पूरा कर लिया। फिर हजरत जी, मेरे हाथ में एक सनद है, उस सनद को मैं लेकर आपके पास हाजिर हुआ और आपने उस सनद पर दस्तखत की और अजीब बात यह थी कि उस सनद पर सूरह फातिहा लिखा हुआ था। और हजरत जी, उससे अजीब बात यह थी कि आप रोजे रसूल पर हाजिर थे और आपने अपने घर वालों से कहा कि इमरान मुनीरी थक गया है, इसे खाना दे दें। तो हजरत जी, आपके घर वालों ने मुझे थाली में खाना, दाल और चावल डाल दिया। फिर मैंने उसे रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठ कर खाया। हजरत जी, इसकी ताबीर बता दें। जज़ाकअल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इमरान खान मुनीरी इंडिया से कॉल कर रहे हैं, इतना खूबसूरत ख्वाब आपने देखा, बहुत मुबारक है। इसका मतलब कि हमारे फ्यूज़ बरकात से आपको नफ़ा पहुंच रहा है। और अजीब बात यह कि जो चीज़ आपने ख्वाब में देखी है और मेरे दिल में वो रहती है, आप पर मेरी बहुत तवज्जो और नज़र है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे काम लेंगे, गया कि उसी का जो है वो मुतमसल सूरत आप पर ज़ाहिर हुई और ज़रूर आपसे काम लेंगे इंशाल्लाह। और रोज़े अक़दस पर जो है हाज़िरी मौजूद है, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम हमारे साथ है और उस ज़रिए से ये फैज़ आप पर पहुँचेगा। और हमारे घर से खाने का मिलना, इसका मतलब आपको दुनियावी खुशहालियाँ भी नसीब होंगी और जो है वो दीनी और जो रूहानी इज़्ज़त और मुकाम भी मिलेगा और हमारे फ्यूज़ से खूब खूब आपको जो है नवाजा जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फ़रमाए।